रांची में खेला जा रहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 204 रन बना लिए थे। पीटर हैंडसकॉम्ब और शॉन मार्श की जोड़ी ने मैच के अंतिम दिन मजबूत दिख रही भारतीय टीम के जीत के सपनों पर पानी फेर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए करीब 62 ओवर बल्लेबाजी की और दोनों खिलाड़ी भारत से जीत छीन कर मैच को ड्रॉ की ओर ले गए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 124 रनों की साझेदारी हुई। हैंडसकॉम्ब 72 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। इससे पहले मैच में 5वें दिन की शुरुआत में भी भारतीय टीम विपक्षी टीम पर हावी दिखी और पहले सेशन में ही ईशांत शर्मा ने रैनशॉ और जडेजा ने कप्तान स्टीव स्मिथ को आउट कर मैच में अपना दबदबा और बढ़ा लिया था। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी संभालने आए शॉन मार्श और पीटर हैंडसकॉम्ब ने संकट में घिरी अपनी टीम को इस हार से बचा लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने लंच के बाद क्रीज पर संभल कर खेला। दोनों ने ही अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारत के पेस और स्पिन अटैक को साधारण साबित कर दिया। अंतिम सेशन में ऑस्ट्रेलियाई पारी के 92 ओवर में जब मार्श आउट हुए, तब तक ये दोनों बल्लेबाज मैच को भारत की जीत से बहुत दूर ले जा चुके थे। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच की पहली पारी में सेंचुरी लगा चुके ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खेमे के लिए अब ज्यादा चिंता की बात नहीं बची थी। कुछ ही मिनट का खेल बाकी था और ऑस्ट्रेलिया के अभी भी 4 विकेट बाकी थे। वहीं 100 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 204 था। इस तरह यह मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। 4 टेस्ट मैच की इस सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच 25 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। तो तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया की जीत के सपने पर पानी फेर दिया, लेकिन इस मैच में चेतेश्वर पुजारा स्टार बनकर उभरे। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक क्रीज पर डटकर भारत के लिए रन बटोरे और सबसे ज्यादा गेंदे खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया। तीसरे टेस्ट में शानदार पारी खेलने के लिए पुजारा को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। देखते रहिए टीपी लाइव।